आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब वादे तो बहुत किए गए थे पर उन दोनों ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की थी। बता दें कि जिस सभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित कर रहे थे उसी मंच पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। आइए आपको भी सुनाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा। आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि 6000 रुपया, 1-1 रुपया जनधन के अकाउंट में, आपके खाते में कोई बीच में बिचौली नहीं, कोई लाहर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता। जो 6000 रुपया केंद्र से आता है उस 6000 रुपया में 6000 अतिरिक्त शिवराज सिंह जी ने मिलाकर 12000 रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। तो आप बताओ मुझे कि अगर एक परिवार में परिवार का मुखिया किसान हो 12000 रुपया खाते में, और अगर परिवार में हमारी माता हो तो कितने रुपए खाते में? तो 12 और 12 कितना हुआ? और अगर घर में माता के साथ और मेरे किसान अन्नदाता के साथ अगर बहू हो तो उसे कितना मिलेगा? 12000 और, तो बना 36000। और अगर बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी घर में हुआ तो कितना हुआ? 48000। अरे कहां दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने एक घर में जहां किसान हो, माता हो, दो बहुएं हो और घर के अंदर अगर एक बेटी भी हो तो बेटी को कितना? कितना बोलो? 12000। तो 48 और 12 कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? 60000। और ये चुनावी वादा नहीं है, ये आज आपके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की जोड़ी पहुंचा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसको जीत मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।